कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, अब मैं एक प्रोफेशनल स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मैं आपको इस प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन का एक सही जवाब मेरे हिसाब से मैं दे सकता हूँ। तो मैं अगर आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप इक्विटी में यानी कि अगर आप कैश में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम कम से कम मैं बोलूँगा तो 3 से 4 लाख रुपये लगेंगे अगर आप इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और अगर आप महीने का 5% भी फोकस करोगे तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये आप 3 लाख के कैपिटल पर बना लोगे, लेकिन अगर आप कैश स्टॉक्स में जाते हो। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग अगर आप फ्यूचर्स में करते हो, तो आपके लिए 2 लाख का कैपिटल भी इज़ मोर देन एनफ, क्योंकि फ्यूचर्स में क्या होता है, हमें 5 गुना तक मार्जिन मिल जाता है। तो जो आपका 2 लाख का कैपिटल है, वो आपका कैपिटल ऑटोमेटिकली 10 लाख का हो जाता है। तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट्स भी अच्छे होते हैं, ऑफकोर्स रिस्क भी बढ़ जाती है, बट प्रॉफिट्स भी अच्छे होते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैश में मैं ये बोलूँगा कि मिनिमम 3 लाख रिक्वायरमेंट रहेगी, तब जाके आप महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये कमा पाओगे। और फ्यूचर्स में 2 लाख मोर देन एनफ है 25 से 30 हज़ार रुपये बनाने के लिए। अगर